बैक टू माय चैनल टेक शर्मा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार मोदी जी, मेरे प्यारे मोदी तो कहेंगे ना, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टीम ने जो एप्स का आविष्कार किया है, जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हो ई स्कैन CTRD इन वॉट रिमूवर। ये एप्स का काम यह है कि ध्यान से सुनो, क्या आपने कभी किसी से अपना प्यार किया, कभी अपना दिल, कभी कि कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल किया जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद कुछ काम का नहीं लेगा, फिर से अनइंस्टॉल। एग्जाम्पल में कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपने शॉपिंग का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, एड्रेस देख के स्क्रॉल डाउन किया, ये बहुत महंगा है, चलो ऐसा एप्लीकेशन अपने फ़ोन में नहीं डालेंगे, अनइंस्टॉल। कोई म्यूजिक का या फिर कोई नया OTT प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया, मज़ा नहीं आया दिलीप। उसके बाद कोई ऐसा गेम्स जो प्ले स्टोर से बाहर का भी हो इंस्टॉल किया, मज़ा नहीं आ रहा है फिर दिलीप। ऐसे करके आपने शायद ब्यूटी कैमरा लड़कियों की ब्यूटी कैमरा का यूज़ इस्तेमाल आपने किए होंगे, डाउनलोड किए होंगे, इंस्टॉल किए होंगे, उसके बाद काम अन नहीं आया तो अनइंस्टॉल कर दिए होंगे। क्या आपको लगता है कि अनइंस्टॉल करने के बाद भी वो डाटा आपके फ़ोन में रह सकता है? उसके बदल से उसको कहते हैं मालवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है मालवेयर। सॉफ्टवेयर आपको नानन धरन का सुविधाएँ देते हैं, मालवेयर आपको सुविधा भी देते हैं फ्री में। लेकिन कोई भी चीज़ आपको फ्री में सुविधा देने के बाद आपका भी लंका लगा सकता है, बोले तो उसको कहते हैं मालवेयर, मतलब वायरस, या फिर आपको नुकसान पहुँचा सकता है कि आपके मोबाइल में कोई दूसरा आपको नज़र रख रहा है, आपको पता भी नहीं होगा। वही पता करने के लिए गवर्नमेंट टीम ने ये जो स्कैन का निर्माण किया है। तो मैं अपने स्क्रीन को ही मैं आपको एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि शुरू हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा ECANCERT। ये जो लिख सकते हो इन बोट रिमूवल ऐसा आएगा, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे है, ये जो ऐप्स है मैंने पहले इंस्टॉल करके रखे है, इसको कर लेना है ओपन। जितना भी आपने एप्लीकेशन फ़ोन खरीदने से पहले जो यहाँ पे देख सकते हो कि फ़ोन इस्तेमाल करने से जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल किया अनइंस्टॉल किया, उस डाटाबेस आपके फ़ोन में रहे या फिर अभी काहे का टेंशन लेने का। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड SS यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद ओपन एजेंसी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना, एंटीवायरस प्राइवेसी सब यहाँ पे स्कैन प्रीमियम पर्सन भी है, अभी ये ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ पे हम एक बार स्कैन कर लेते हैं, मेमोरी स्कैन, फुल स्कैन, फोटो स्कैन, तो एक बार फुल स्कैन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हो कि फुल स्कैन यहाँ पे रनिंग हो रहा है। जो भी अंदर में कुछ राज अगर कोई हमारे लिए खतरा हो सकता है तो ये ऐप्स आपके लिए कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, अभी 1% ही हुआ है, थोड़ा एकदम समय लगेगा। यहाँ पे कुछ अंतिम टाइम में हमको दिखेंगे कि ये स्कैन करने के बाद, थोड़ा सा ये तो टाइम लेगा ही, मेरा भी 2% हो चुका है। ऐसे करके आपको पता चले कि आपके मोबाइल कितना स्कैम हो गया है। तो मैं इस एक डेमोंस्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि कैसे होता है। अपने बहुत सारे लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ तो करते हैंगे ना, हैंगे नहीं करते हैं, सॉरी स्लीप ऑफ टंग, हेलो कभी कभार है से हैंगे निकल जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या होता है कि जब स्क्रॉल डाउन करते हो बीच में एक ऐड रहता है, आप किस सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहेंगे, आपके फ्यूचर में कौन सा जॉब होगा, आपके कितने बच्चे होंगे, आपका फेवरेट खाना क्या है, ऐसे कुछ उल्टा सीधा चीज आता है। लेकिन आता है फ्री में, क्या आपको लगता है दुनिया में हर चीज़ कोई फ्री में देता है? तो उसके बाद क्या होता है कि कोई इंसान अपने जोश में ही देख लेते हैं कि मेरा चेहरा जैसा कोई सेलिब्रिटी इस दुनिया में है या नहीं, कर देते दिखा तो देते हैं। लेकिन साइन इन करने में, वो वेबसाइट में साइन इन करने के लिए फिर से अगर फेसबुक का पासवर्ड मांगता है ना, तो समझ जाने का वीरो उसमें कोई लोचा है क्यों के डालने का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि APK हैज बीन स्माइल यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा गैलरी है ना, गैलरी यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे टेस्ट की RA लिखा है, यहाँ पे यूट्यूब का यूट्यूब्स है, और यहाँ पे स्टोरेज MLT थे, ये सब मुझे यहाँ पे डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे 4 यहाँ पे डिटेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहाँ पे मैंने 4 डिटेक्ट किया कि जो कि मेरा पास 4 ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ पे स्टोरेज MLT यूट्यूब APK है। तो देख सकते हो ये डिलीट, एक डिलीट हो गया, दूसरा डिलीट हो गया, ये दोनों चीज़ है ना, गैलरी और यूट्यूब से। गैलरी है जो मेरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मैंने इस्तेमाल किया है, और जो यूट्यूब है ना, ये यूट्यूब्स क्या होता है कि कभी कभार मुझे यूट्यूब का SEO करना पड़ता है, इसको मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे ना 2 यहाँ पे जो डिटेक्ट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको भी अगर ऐसा कुछ इस्तेमाल आता है ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सच्ची बात कहना चाहता हूँ कि मेरे इस फोन में मैं कभी कभार ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन बैंक्स का कोई भी GPay हो या फिर कोई भी किसी बैंक का एप्लीकेशन उसमें घुस रहे हो ना, तो उस एप्लीकेशन के अंदर में ये वायरस घुस के
आपका उस डाटा बैंक का पैसा लूट सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन इस वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, जरूर डाउनलोड कीजिए, जरूर ऐसे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा खतरनाक नालायक ना बुनियाद जैसा कोई चीज़ है तो जल्दी से डिलीट कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक फैक्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।